अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यजमान शिवलिंग पे दूध चढ़ाइए। पूजा मत करो लेकिन पूजा करती हुई दिखाई तो दो। अरे भाई क्या हो रहा है इस घर में? पूजा पाठ का कोई आस्था सम्मान है कि नहीं? कहाँ है भानु और प्रभा? पता नहीं, बड़े पापा फोन भी मिलाया था पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। कैसे अशिष्टता है, घर में यज्ञ पूजन है, बिना सूचित किए कहाँ चले गए ये लोग? मुनिया राजीव कहाँ है? बाबा आप भाभी से ऐसे क्यों? बड़का बाबू हमको मालूम नहीं, कहीं बाहर तो गए हैं लेकिन बता के नहीं गए। अरे तो सरासर अपमान है संस्कारों का और परंपराओं का। जब सबको खबर थी घर में वंश पूजन होने वाला है तो बिना बताए सब निकल गए। या बड़का बाबू बिगड़ रहे हैं और राजीव बाबू का पता नहीं कहाँ है। चाचा शायद यही जगह जिन्हें तुम मां समान मानते हो प्रभा दी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी एनकाउंटर में नहीं मारा गया था बल्कि उसकी मौत यहां मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी। पर इतना विराम क्यों? बुआ जी आप एक काम करिए, आप गाड़ी में ही बैठिए, हम और चाचा जाकर देख के आते हैं। हम भी चलते हैं राजीव। बुआ जी अंदर जान और माल को खतरा हो सकता है, प्लीज आप गाड़ी में बैठे। राजीव सही करे प्रभा जी, वो कौन है, उसने हमें यहाँ किस नियत से बुलाया हम नहीं जानते। अगर हमें यहाँ आने में वापस देरी हो और आपको घबराहट हो तो हमें एक कॉल कीजिए। ठीक है पर अपना ख्याल रखना। हाँ प्रभा जी। हाँ राजीव। अरे हम पूछ रहे कोई है इधर? अरे आ गए हम, राजीव नारायण चंदेल। स्वागत है। स्वागत है। कौन हो तुम? हमारे परिवार की सच्चाई बताने के लिए इतने उतावले क्यों? क्या गरज है तुम्हारी? चाहते क्या हो बताओ? बदला। बदला। चाचा क्या? राजीव भानु चाचा कौन है मां? देख रहा हूं। चलिए ना तो समय किसी के लिए रुकता है और ना ही संस्कार किसी के लिए रुकते हैं। पंडित जी आप पूजा आरंभ कीजिए। छोटी बहू संजीव बेटा यहां आओ। बहू तुम्हारा ध्यान केवल यही होना चाहिए और कहीं नहीं, वंश पूजन है, कोई त्रुटि न रहने पाए। पंडित जी आराम करवाइए। अपने पितरों की तस्वीरों को गंगा जल से स्नान करवाइए। बेटी सर्वप्रथम ये चंदन को घिसके अपने पूर्वजों की प्रतिमा में लेप लगाइए। हाँ हम लाते हैं ना? क्या नहीं है, हम अभी लेके आते हैं। दौड़ने दो, अभी तो बहुत दौड़ना है इसको। हम अभी आते हैं।
कोई नहीं? यहां कोई नहीं है, केवल सन्नाटे के। ये क्या है चाचू? ये इतना वक्त बीत गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? फोन करते हैं। जाके देखते हैं। चाचा जी, ये तो शहनाई की आवाज सुनाई दे रही, किसी की शादी हो रही है क्या? ये तो शंकर प्रजापति, तुम्हारी बुआ, हमारी बहन प्रभाती की शादी की वीडियो से। उनकी मेहंदी की तैयारियां हो रही हैं, वो गीतकार हैं। प्रभाती के हाथों में मेहंदी कितनी सुंदर दिख रही है, इसमें तुम्हारी दादी, बाकी सब लोग भी, सब लोग कितने खुश हैं। ये माहौल ऐसा है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। संगीत का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चल रहा है, मुक्त कंठ से गाने गाए जा रहे हैं। देवदा, हमारे पिताजी तुम्हारे दादाजी के साथ भी मौजूद है वहां पर। प्रभादी और दोनों भाई इतने खुश है कि उनकी हंसी नहीं रुक रही। हल्दी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, सब लोग कितने खुश हैं। प्रभादी कितनी खुश है, अपने शादी के लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही है। प्रभादी के साथ उनकी दोस्त उत्तरा, जो बाद में तुम्हारी चाची और मेरी धर्मपत्नी। चाची जी? हाँ, आज हम उनको अब देख पाते। सब लोग दरवाजे पर बारात की द्वार लगाई का इंतजार कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है चाचू, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी वीरान जगह पे किसी ने ये शादी वाला वीडियो क्यों लगाया है? किसी ने तो हमें यहाँ इसे दिखाने के लिए रखा है। हाँ, लेकिन किसने और क्यों? दीदी, ये लो चंदन। क्या हुआ? हमको कमजोरी महसूस हो रहा है। अरे देखो भाई, संभालो। हम तो पहले ही कह रहे थे इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन आप लोग कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, होता है ऐसे हालत में ऐसा। पंडित जी, का कोई इसे हमारी जगह घिस सकता है? कायदे से तो आपको ही करना चाहिए, पर आप इसी स्थिति में नहीं है तो कोई और कर ले। अब हम कर देगा दीदी। मृदुला, अब देखिए तो से नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।